भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो वो सूक्ष्म लोक में रहता है, फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएँ दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और याद में दान धर्म का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इनकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाती है।